हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग न्यू चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSCGS और PRMO की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको यहीं पर करवा रहे हैं, ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके और बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेके आ सके, है ना। और यहाँ पर इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है, आपको बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। ये सारी हमारी जो है यहाँ पर फैकल्टी एक्सपर्ट टीम है, जो आपके यहाँ पर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स ले रही है, ठीक है। सो आई होप आप सब जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, घर पे बैठ करके भी यहाँ पर सभी लेक्चर्स का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया था हमारे लास्ट लेक्चर में? हमने कवर अप कर लिया था क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। सिंपल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और हमें यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा पोर्शन हमने जो है छोटा सा पढ़ा अबाउट द क्रोजन ऑफ आयरन, और यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। चैप्टर लगभग हमने जो है यहाँ पर सब कुछ फिनिश कर लिया था। आज हम इस लेक्चर का, इस चैप्टर का जो है रिवीजन करने वाले, ओके। आज हम इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे, देखेंगे हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, सारी चीज़ें हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे, देखते हैं आपको कितना यहाँ पर याद है, ओके। और फिर इससे आने वाले लेक्चर में हम उससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना जो है यहाँ पर देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे ओलंपियाड्स में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो जो भी टॉपिक्स आपके इस तरीके से कवर अप होते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पर, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पर जाके आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करना होता है फॉर क्लास 7th। द ग्रुप लिंक इज TTB07। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को यहाँ पर ज्वाइन अप करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ पर इसी के साथ साथ अगर वो सैम्पल मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर चूज करना होता है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लास 7th के लिए चूज करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर से आप कोई भी पैकेज अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल, ओके, उसी के साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, ओके, होमवर्क सबमिशन आपको चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक ही साथ यहाँ पर एक ही पैकेज के अंदर दी जा रही हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी आपके लिए अवेलेबल है इन सेकेंड पैकेज। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, और बच्चों से आपको कम्पीट करने का मौका मिलता है। ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट आपके लिए शेड्यूल किया जाता है ऑन आर वेबसाइट, ओके। वहाँ पर आकर के आप अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें आपको आपका रिजल्ट भी पता चल जाता है, रैंक भी वहाँ पर पता चल जाती है कि आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन में इतने बच्चों के साथ कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट लग रहा है, वो आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसकी प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं EM Live, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 30% तक का डिस्काउंट हम आपको देने वाले हैं, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं क्या, AM Live, ठीक है। तो फटाफट से कूपन कोड अप्लाई करके यहाँ पर इस पैकेज को बाय पैकेज पे क्लिक करके अपना बना सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है।
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कुछ सवाल मन में उठ रहा है तो उसे पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं यहाँ इन नंबर्स पे कॉल करके। 9549041111 हमारा नंबर है, बहुत ही सिंपल नंबर है, फटाफट से नोट कर लीजिए, और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रिविजन की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज का रिविजन करेंगे, ओके। और रिविजन में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो है इस चैप्टर में पूरा क्या क्या पढ़ा है, है ना, क्या क्या आपके चेंजेस होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ओके। तो सारी चीज़ें एक बार रिकॉल करेंगे फटाफट से तुरंत, ओके, जल्दी जल्दी हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं जो कि रेगुलरली यहाँ पर अकर हो रहे हैं, जैसे कि डे और नाइट, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज़ योर पीरियोडिक चेंज, सुबह होती है, दिन होती है, रात होती है, ठीक है। और यहाँ पर सीजन्स चेंज हो रहे हैं, है ना, कभी विंटर्स है, कभी समर्स है, कभी यहाँ पर रेनी सीजन है, स्प्रिंग है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हम हमारे लाइफ में रेगुलरली क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो वहाँ जो है कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से मैटर के अंदर भी क्या है, चेंज जो है नेसेसरी है, और वो कैसे होता है, वो होता है यहाँ पर कोई एनर्जी चेंज की वजह से, ठीक है। सम काइंड ऑफ चेंज होते हैं मैटर के अंदर जब हम क्या करते हैं, किसी तरीके की वहाँ पर एनर्जी देते हैं, ठीक है। एनर्जी यहाँ की हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर जो है किसी तरीके के क्या होता है, चेंज आता है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, बटन प्रेस किया, उधर सामने जो है ऊपर लाइट जल गई, ठीक है, तो वो भी क्या है, चेंज है, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, किसी में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ नेचुरली होते हैं, कुछ यहाँ पर मैन मेड होते हैं, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है बहुत बहुत सारे चेंजेस हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली आपके चेंजेस किस तरीके के होते हैं, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, नॉन पीरियोडिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, है ना। ये सारे चेंजेस आप अगर जो है यहाँ पर सिक्स क्लास में पढ़ के आए हैं, है ना, वहाँ पर भी आपका चैप्टर था, ओके। तो यहाँ पर हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज, मेनली इन दो चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। क्या होते हैं फिजिकल चेंज, फटाफट से बताइए। फिजिकल चेंज आपके वो चेंज होते हैं जिसके अंदर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, सेम है, है ना। उसके अंदर क्या हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है, शेप, साइज, टेक्सचर, स्टेट चेंज हो सकता है, बट यहाँ पर उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक, कोई भी सब्सटेंस का यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो मैटर, वो सब्सटेंस वही ना रह करके कुछ और न्यू सब्सटेंस में क्रिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों चेंजेस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके के आपके जो है फिजिकल चेंज में हमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल चेंज भी हमें क्या देखने को मिलता है, है ना। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर चेंजेस, जैसे कि स्टेट, टेक्सचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडीशंस चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, और इसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर उसका कॉज हटा दे तो,
ओके, और यहाँ पर उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में किसी तरीके से हमें चेंज देखने को नहीं मिलता जनरली। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम उस चेंज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड ओके बाय रिमूविंग द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अगर हम उसका कॉज रिमूव कर दें तो हम उस चेंज को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और मेल्टिंग कैसे हो रही है, जब हम आइस को हीट कर रहे हैं, तो अगर हम उस हीटिंग इफेक्ट को हटा दें तो यहाँ पर क्या कर दें, हम हीटिंग को हटा के कूलिंग करेंगे तो वाटर से हम वापस से क्या कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं, ठीक है। सो बाय रिमूविंग द कॉज प्रोड्यूसिंग इट हम क्या कर सकते हैं, उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ओके। सो वो चेंजेस जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है समझाने के लिए कि देखिए, आपने क्या लिया, एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको यहाँ पर जो है टू पार्ट्स में जो है टियर कर दिया, फिर उसे फर्दर फोर पार्ट्स में टियर कर दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जो है क्या कर रहे हैं, पेपर को यहाँ पर टियर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसे फोल्ड कर सकते हैं, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पर क्रम्बल कर सकते हैं, ओके। कुछ भी कीजिए, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, या तो आप टियर करें, फोल्ड करें, क्रम्बल करें, कुछ भी करें, यहाँ पर क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। यहाँ पर पेपर की प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो रहेगा क्या, सेम पेपर ही जो है वो रहने वाला है, है ना। उसकी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि यहाँ पर फिजिकल चेंज, अब ये चेंज क्या हो गया, यहाँ पर कोई आपको प्रॉपर्टी के अंदर चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो ये चेंज आपका कौन सा चेंज होता है, दिस इज योर फिजिकल चेंज, टियरिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ओके, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर इज योर फिजिकल चेंज, ओके। यहाँ पर यू डू नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द पेपर, ओके। सो इस चेंज को हम क्या बोलने वाले हैं, इस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलने वाले, ओके। नाउ यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है विच विल मोर इलस्ट्रेट यू अबाउट द फिजिकल चेंज, कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करें। नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर कोई भी नया जो है प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, कोई भी नया या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर, किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये यहाँ पर क्या है, आपका पॉइंट है जिसे आपको क्या करना है, याद रखना है, है ना। क्लास के दौरान भी मैंने आपको जो है समझाया था कि ये पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनऑल्टर्ड, ठीक है, यहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन जो है क्या रहेगी, अनऑल्टर रहेगी, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइस को मेल्ट कर रहे हैं, आइस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, कैसे, उसको टेम्परेचर दे करके, यानी हीट करके, ठीक है। आइस जब हमारी यहाँ पर मेल्ट हुई, यानी कि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पर हम देखते हैं कि आइस क्या है, अ फॉर्म ऑफ वाटर, अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज योर लिक्विड। वाटर क्या है, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, सेम है, ओके। तो यहाँ पर वाटर आपका कैसे बन रहा है, यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन के लिए, ओके, एक ग्राम हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तभी जा कर के यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका H2O बन रहा है, क्या बन रहा है, H2O। अगर इसका बेसिक हम यहाँ पर देखें कॉम्पोजिशन, तो आइस का भी यही होता है, आइस इज ऑल्सो योर H2O बट इन सॉलिड फॉर्म, क्या है ये, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी केमिकल
कॉम्पोजिशन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरीके से चेंज आपको नहीं देखने को मिल रहा। चेंज इज टेम्परेरी एंड यूजुअली रिवर्सिबल। चेंज जो है ये मेल्टिंग ऑफ आइस इज योर टेम्परेरी चेंज और इसे हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। नाउ सी द चेंज इज टेम्परेरी एंड यूजुअली क्या है, ये रिवर्सिबल जो है क्या है, यहाँ पर आपका चेंज है, ठीक है, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम इसका कॉज जो है हटा दें तो। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें आइस को, सॉरी आप यहाँ पर वाटर को क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूल करने पर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज आइस फॉर्म कर रहा है। ओके, आइस को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इज योर वाटर। फर्दर हम देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को फर्दर हीट करेंगे, हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एंड गैस इज योर दिस गैस, और वी कैन से दैट वाटर वेपर्स आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, स्टीम है ना, क्या है ये, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, फर्दर स्टीम को जब हम यहाँ पर कूल करने लगेंगे तो वो कंडेंस होगी, कंडेंस होकर वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर तीनों ही स्टेट हमें पता है वाटर की। ओके, वाटर को कूल करने पर हम उसे जो है क्या कर सकते हैं, वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हीट करने पर वो क्या हो रहा था, मेल्ट हो रही थी आइस, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम उसका कॉज रिमूव कर दें तो इट इज रिवर्सिबल, दोनों ही क्या है यहाँ पर, रिवर्सिबल है। आपस में अपन वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से जो है अपन वाटर बना सकते हैं। ओके, सो दोनों ही क्या है यहाँ पर, रिवर्सिबल है, दोनों ही चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल हैं और क्या है, टेम्परेरी हैं, क्या है, टेम्परेरी, ठीक है। अब सी देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कोई भी नेट गेन और लॉस नहीं हो सकता किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एनर्जी दी क्या करने के लिए, हीट एनर्जी यहाँ पर हमने दी किसे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगी दैट इज योर 2260 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है लगी किसे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। बट जब आप उसी अमाउंट की स्टीम को क्या करोगे, यहाँ पर वाटर के अंदर कंडेंस करोगे तो वहाँ पर इतने ही अमाउंट की एनर्जी जो है वो क्या होगी, आपकी गिवन आउट होगी। यहाँ पर क्या हुई थी, एब्जॉर्ब हुई थी। ओके, और यहाँ पर क्या होगी, आपकी हीट एनर्जी जो है वो गिवन आउट होगी, ठीक है। तो थस द नेट एनर्जी इज ज़ीरो, यहाँ पर नेट एनर्जी जो लगने वाली है वो क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस के वेट के अंदर जो है कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर चाहे तो आप क्या कर लें, यहाँ पर आइस ले लें, वाटर ले लें, स्टीम ले लें, ओके, तीनों का वेट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, सेम अमाउंट आप ले रहे हैं तो तीनों का वेट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर उसे आइस को मेल्ट करें, ओके, वहाँ पर दोनों का आप क्या कर सकते हैं, वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या रहेगा, यहाँ पर अनचेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से मास ऐड नहीं होगा या फिर अपनी मर्जी से मास जो है रिमूव नहीं होगा, है ना, वेट यहाँ पर जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। देयरफॉर द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम, यहाँ पर मास हमेशा क्या रहता है, फिजिकल चेंज में कॉन्स्टेंट रहता है, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट योर फिजिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज के बारे में यहाँ पर ये क्या थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमने पढ़ी। अब यहाँ पर इसके जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम क्या करें, फिजिकल चेंज है ना, यहाँ पर आपके लिए सामने जो है पिज्ज़ा है, ओके, तो पिज्ज़ा यहाँ पर बिफोर कैसा रहता है, ऐसा, ठीक है, उसे हम पीसेस में कट कर देते हैं, आफ्टर चेंज यहाँ पर कैसा हो जाता है, कुछ इस तरीके से पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब क्या यहाँ पर ये क्या है, आपका फिजिकल चेंज है, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि ये फिजिकल है कि केमिकल है। हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, फिजिकल चेंज ही है,
ओके, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बस इसे पीसेस में कट कर लिया, तो क्या यहाँ पर इसका मास चेंज हो जाएगा? ओके, दोनों में से किसका मास ज़्यादा होगा? किसी का नहीं, दोनों का मास जो है क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, क्या रहने वाला है, सेम रहेगा इन बोथ केसेस। ओके, बोथ केस के अंदर जो है मास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, अंडरस्टूड? कैसे सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सब्सटेंस तो क्या है यहां पर, सेम ही है, ना उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर कोई चेंज आया, सिर्फ फिजिकली जो है हमने उसे बस कट करके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, इट इज योर फिजिकल चेंज। ओके, उसके शेप साइज के अंदर चेंज आया है, बट उसकी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज नहीं आया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, व्हाट अबाउट योर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बल्ब को यहाँ पर ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो ऑन ऑफ करना इज योर फिजिकल चेंज। यहाँ पर उसकी अपीरियंस के अंदर चेंज आ रहा है सिर्फ, ओके, यहाँ पर उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज नहीं हो रहा। रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन द स्टील रॉड, स्टील रॉड पे आप क्या कर रहे हो, परमानेंट मैग्नेट को रब कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर उसके अंदर क्या आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती, वो वापस से जो है चेंज हो जाती है। तो ये चेंज भी क्या है आपका, यहाँ पर फिजिकल चेंज है। एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन, आयोडीन पे जो है क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं उसे, हीट का एक्शन कर रहे हैं जिससे कि वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, ब्राउनिश ग्रे कलर के क्रिस्टल्स होते हैं किसके, आयोडीन के, हीट करने पर क्या हो जाते हैं वो, यहाँ पर वायलेट कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर्स जो हैं या फिर क्रिस्टल्स जो हैं वो यहाँ पर कूल करने पर वापस से जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो भी क्या है आपका, यहाँ पर फिजिकल चेंज है, ठीक है। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये भी किस तरीके का चेंज है, यहाँ पर फिजिकल चेंज है, ठीक है। यहाँ पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वापस से हम उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ आपका, यहाँ पर फिजिकल चेंज, ठीक है। सो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर इज योर फिजिकल चेंज, है ना, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कुछ कॉमन एग्जाम्पल, और यहाँ पर मेकिंग ऑफ आइसक्रीम हो गया, या फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास प्लेन, ठीक है, ये भी क्या हुआ आपका, यहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ। ओके, और यहाँ पर रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर या फिर फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ऑल दीज चेंजेस आर योर फिजिकल चेंज। ये सारे चेंजेस क्या है आपके, फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चेंज वी हैव इज आर केमिकल चेंज, है ना, नेक्स्ट चेंज क्या है हमारा, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज कौन सा चेंज होता है, जिसके अंदर यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है, केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आता है, या फिर हम बोलें उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आपको देखने को मिलता है, यानी कि वो सब्सटेंस वही ना रह करके कोई न्यू सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि अ चेंज विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू प्रोडक्ट्स, यहाँ पर क्या बनेगा, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका फॉर्म होने वाला है, किसके अंदर, यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है, क्या होने वाला है, केमिकल चेंज के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी आपका कोई भी केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आ रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही, केमिकल चेंज बेसिकली यहाँ पर क्या है, केमिकल रिएक्शन है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही हो, उसके अंदर क्या होता है, हमेशा जो है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, द प्रोडक्ट फॉर्म हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है, ओरिजिनल सब्सटेंस से उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली है, और जो कि उसके कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज आ जाता है, और यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं रहता, बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है। व्हेन शुगर इज जेंटली हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब इट जनरली चेंजेस टू ब्राउन कलर, यहाँ पर शुगर क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, जब आप उसे हीट करते हो तो
ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टीम भी जो है प्रोड्यूस होती है, फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, और वहाँ पर ब्लैक मास जो बच जाता है वो किसका होता है, कार्बन का। यहाँ पर कार्बन और वाटर क्या होती है, फॉर्म होती है जब आप क्या करते हैं, शुगर को हीट करते हैं। देखिए किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, शुगर को हीट कर, ओके। यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जी हाँ, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर शुगर आपने एक टेबल स्पून में शुगर लिया, शुगर को आप हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट करते हैं, तो यहाँ पर वो यहाँ पर बर्न आउट होके क्या हो जाती है, जो है ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है। वाइट से किस कलर में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर ब्राउन ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पर आपको फ्यूम्स भी प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर को जब आप हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन और स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये चेंज जो है वो क्या है, परमानेंट है, इट कैन नॉट बी रिवर्स। अब इससे वापस से आप जो है, इससे वापस से आप क्या नहीं कर सकते, शुगर नहीं बना सकते, ठीक है। फिजिकल चेंज में वो क्या थे, अगर हम उसका कॉज रिमूव कर दें तो हम उसे जो है रिवर्स कर सकते थे, बट अगर हम इसका कॉज किसी भी तरीके से रिमूव कर दें फिर भी यहाँ से हम जो है कार्बन से वापस से यहाँ पर शुगर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चेंज क्या हुआ आपका, दिस इज योर केमिकल चेंज। द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज यूजुअली चेंज, एपरेंट वेट जो है यहाँ पर चेंज होता है लेकिन टोटल वेट रिमेन्स सेम, टोटल वेट ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इन केमिकल चेंज, है ना। केमिकल चेंज के अंदर यहाँ पर टोटल वेट क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर शुगर को हीट किया, शुगर को हीट करने पर वहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, कार्बन फॉर्म हुआ, स्टीम यहाँ पर निकल जाती है, ओके। स्टीम यहाँ पर वेपर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है, बट हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एज अ रेजिड्यू क्या बचता है, कार्बन ही बचता है। शुगर को जब आपने हीट किया, एज अ रेजिड्यू आपके पास यहाँ पर क्या बचा, कार्बन। अब शुगर का आपने वेट किया पहले, बाद में उस रेजिड्यू का वेट करोगे तो वो कम आएगा, बट उसके अंदर स्टीम भी तो वहाँ से एस्केप आउट हुई। अगर हम उसे भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एपरेंट जो है टोटल वेट क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। अगर आप सिर्फ उस रेजिड्यू का वेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर एपरेंट वेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो भी क्या आने वाला है, डिफरेंट आने वाला है। बट अगर आप वहाँ पर स्टीम को भी कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर टोटल वेट जो आएगा वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, ठीक है। यही यहाँ पर जो है समझा रखा है। यहाँ पर केमिकल चेंज कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, जैसे कि डफ से आपने यहाँ पर क्या कर लिया, केक को बेक कर लिया। यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल से आपने यहाँ पर बेकिंग कर ली, किसकी, अगेन केक की बेकिंग कर ली, वहाँ पर ब्रेड आपने बना लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑमलेट आपने बनाया, ठीक है, एग को तोड़ करके आपने केस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर ऑमलेट बना लिया, ऑमलेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ओके। सो ये सारे चेंजेस आपके किस तरीके के चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। एक बार आपने यहाँ पर कोई भी फूड बना लिया, ओके, कुक कर लिया उसे, उसे वापस से आप यहाँ पर रॉ मटेरियल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चेंज आपका क्या हो गया, दिस चेंज इज योर केमिकल चेंज, है ना। ये सारे चेंजेस क्या हैं आपके, केमिकल चेंज। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज यहाँ पर एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। कोई भी यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है तो उसके अंदर एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर या तो गिवन आउट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है, यानी कोई ना कोई हम एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करेंगे तभी आपका क्या होता है, यहाँ पर केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पर एनर्जी जब गिवन आउट होगी, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, है ना। बेसिकली हम यहाँ पर हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, जब गिवन आउट हो रही है एनवायरनमेंट में, जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एनर्जी, ओके, या फिर रिएक्शन के अंदर ये ऐसा कुछ होता है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एनर्जी जहाँ पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना, हम कोई एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है जो क्या करती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर
सपोज हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट कूल पैक कोई भी यहाँ पर लग जाती है हमारे, तो वहाँ पर बर्फ़ लगाते हैं, तो वो भी क्या है आपका एंडोथर्मिक, वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। ओके, कुकिंग ऑफ एग्स, यहाँ पर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी से उसकी कुकिंग हो रही है। फोटोसिंथेसिस में भी सन से जो रेज आती है, सनलाइट, उसे यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी क्या है आपकी, यहाँ पर ऑल दीज आर योर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस आर फॉर्म फ्रॉम देम। उनमें से हमारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं किससे, केमिकल चेंजेस। ओके, यहाँ पर क्या करना हो, कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, ग्राउंड से, अर्थ क्रस्ट से हमें क्या करना है, कोई किसी भी तरीके का मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको करने पर ही हमें जो है यहाँ पर हमारा प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिलता है। ठीक है, ओजोन प्रेजेंट है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है सन की हार्मफुल रेडिएशन से, तो यहाँ पर ये क्या करती है, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, ब्रेक्स डाउन होती है किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेंशन केमिकल चेंजेस, यहाँ पर कुछ और केमिकल चेंजेस हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सी, कुछ चेंजेस हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को हम एयर के अंदर बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एयर मतलब ऑक्सीजन। ओके, बर्निंग के लिए यहाँ पर क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन नेसेसरी है, ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नीशियम को हीट किया और मैग्नीशियम को हीट करने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इट इज़ योर केमिकल चेंज। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आयरन की रस्टिंग कर रहे हैं, है ना। आयरन को यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ओके, यहाँ पर मॉइस्चर में उसे एक्सपोज कर दें, व्हेन इट इज एक्सपोज इन मॉइस्चर, तो कुछ टाइम बाद वहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडरली सब्सटेंस, फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से केमिकल चेंज है। यहाँ पर आयरन को हमने एक्सपोज किया किसके अंदर, ऑक्सीजन और वाटर वेपर, यानी कि ये दोनों मिला के क्या करते हैं, मॉइस्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो है रस्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.xH2O। ओके, बर्निंग ऑफ LPG, यहाँ पर अगेन हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपको वाटर वेपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी फ्यूल आप बर्न करते हैं, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ओके, अंडरस्टूड, सॉरी, ओके, समझ आया। तो यहाँ पर ये सारे चेंजेस क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, केमिकल चेंजेस के, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एक्टिविटी है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम को जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो कि पाउडरली सब्सटेंस होता है, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, वाटर के अंदर हमने डाला, उसे स्टेयर किया, यहाँ पर वो वाटर के अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। अब हम यहाँ पर लिटमस पेपर से इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्लू स्ट्रिप लेंगे, ब्लू स्ट्रिप को हम यहाँ पर किसके अंदर डालेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या होने वाला है, इस जब सॉल्यूशन के अंदर हम मैग्नीशियम सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, आपका ब्लू स्ट्रिप डालेंगे किसकी, लिटमस की, तो वहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और ब्लू स्ट्रिप से हमें क्या पता चलता है कि वो सब्सटेंस आपका यहाँ पर एसिडिक है कि नहीं, क्योंकि अगर वो एसिडिक होता तो वो ब्लू स्ट्रिप को जो है रेड में कन्वर्ट कर देता। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर हमारे पास दूसरी स्ट्रिप है, हम रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं, है ना। रेड लिटमस पेपर की हमने स्ट्रिप ली, उसे हमने डिप किया किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर वो रेड लिटमस आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, आपका ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर है वो कैसा है, बेसिक है नेचर। ओके, ये हमें किससे पता चला, यहाँ पर लिटमस पेपर से हमें पता चला। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर के अंदर डालते हैं, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, इट इज योर बेसिक इन नेचर, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, है ना, यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जांपल हैं किसके, केमिकल चेंज के, और कॉमन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जो है इसका फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पर एयर के जो है प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जब हम मॉइस्चर में यहाँ पर कोई भी आयरन आर्टिकल एक्सपोज करते हैं तो उस पर एक ब्राउन पाउडरली सब्सटेंस कुछ इस तरीके से आपने कभी देखा हो तो फॉर्म होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है, इसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये वहाँ पर क्या रहने वाला है, परमानेंट रहने वाला है। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को आपने एक बार बर्न कर दिया तो यहाँ पर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, उससे वापस से आप कैंडल नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है, अगेन इट इज़ योर केमिकल चेंज, सन से जो रेज आ रही हैं उससे प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ग्रो होने के बाद वो वापस से छोटा नहीं होता। ठीक है, ड्राइंग ऑफ पेंट, अगेन मॉइस्चर एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज होने पर पेंट आपका जो है ड्राई अप हो जाता है। ठीक है, एक बार सूखने के बाद वहाँ पर वापस से आप उसे पेंट को निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अगेन दैट इज़ योर केमिकल चेंज। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, ग्लूकोज बन जाता है, उससे हमें पूरी बॉडी में क्या आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, आप उसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि पेट से आपने जो खाना खाया उसे वापस से आप उसी तरीके से नहीं निकाल सकते, है ना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट आपका जो है यहाँ पर क्या होता है, पक जाता है ना, कुछ टाइम बाद यहाँ पर कैसा हो जाता है, डीकम्पोज होने लगता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका केमिकल चेंज है, मॉइस्चर एयर की प्रेजेंस में, है ना, यहाँ पर क्या होता है, उसको राइपनिंग होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर, तो यहाँ पर धीरे धीरे वो ज़्यादा पकने लग जाता है। ठीक है, एक बार ख़राब होने के बाद आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर कर्डिंग ऑफ मिल्क है या फिर बटर टर्न रेंसिड। ओके, बटर यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, रेंसिड हो गया, या फिर कर्डिंग हो गई किसी की, मिल्क की। मिल्क से आपने क्या कर लिया, दही बना लिया, कर्ड बना लिया। ठीक है, तो वापस से दही से आप वहाँ पर मिल्क नहीं बना सकते, वो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, तो इसलिए इट इज़ परमानेंट, इट इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, बटर भी यहाँ पर जो है ख़राब हो जाता है, कुछ टाइम बाद रेंसिड हो जाता है। ओके, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज की वजह से ही ख़राब होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस हैं, कुछ फ्लो चार्ट है किसका, अगेन वही फिजिकल और केमिकल चेंज का। फिर आपके पास यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में यहाँ पर कॉम्पोजिशन के अंदर चेंज हमें देखने को मिलता है, केमिकल चेंज के कॉम्पोजिशन में चेंज देखने को नहीं मिलता, और केमिकल चेंज के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन का चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है चेंज नहीं होती। ठीक है, दे रिमेन अनऑल्टर्ड, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म और प्रोड्यूस, ऑलवेज यहाँ पर क्या होता है, नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। केमिकल चेंज के अंदर हमेशा क्या होगा, नया सब्सटेंस हमेशा प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर वेट जो है चेंज नहीं होता, है ना, नो गेन इन लॉस ऑफ द वेट। यहाँ पर भी एपरेंट वेट चेंज होता है, टोटल वेट जो है यहाँ पर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर मे और मे नॉट यहाँ पर जो है एनर्जी रिलीज होगी या फिर गेन होगी, यहाँ पर हमेशा जो है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है या फिर गेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर फिजिकल चेंज क्या है, आपके टेम्परेरी चेंज है, इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज यहाँ पर क्या है, आपके परमानेंट चेंज हैं, इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, दे आर इरिवर्सिबल। ओके,
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं अगेन आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस के, दैट इज क्रशिंग ऑफ कैन, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग ऑफ वुड, और यहाँ पर क्या करना, फाइंड आउट करना है ना, सेपरेट करना किसको, रेड और ग्रीन मार्बल को, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ऑल दीज चेंजेस आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल। यहाँ पर इसी तरीके से केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग ऑफ एग, ठीक है, बेकिंग ऑफ केक, यहाँ पर ऑल रॉटनिंग ऑफ बनानास आर ऑल कंसिडर एज योर केमिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर अब जाके यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, क्रोजन, क्रोजन ऑफ आयरन मेनली हम यहाँ पर जो है देखने वाले। तो क्रोजन होता क्या है, क्रोजन इज स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल, मेटल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में रख रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर एक्सपोज करने के बाद धीरे धीरे वो मेटल क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है ना, ऐसे लगता है किसी ने खा लिया। ओके, तो यहाँ पर आयरन क्या होता है, क्रोड होता है रेडिली जब हम उसे क्या करते हैं, मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए हम रख देते हैं, तो उसका सरफेस जो है वो क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, किससे, एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर रस्टिंग ऑफ आयरन। क्रोजन यहाँ पर अदर मेटल के केस में भी होता है ना, सिल्वर कॉपर के केस में भी होता है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्रोजन ही बोलते हैं, बट अगर आयरन के केस में क्रोजन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सी केमिकली यहाँ पर रस्ट आपका क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O है ना, और ये फॉर्म होता है ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, है ना, किसकी अटैक की वजह से, ऑक्सीजन और वाटर वेपर की अटैक की वजह से। Fe का क्या मतलब होता है, साइन है किसका, आयरन का, सिंबल है आयरन का। ओके, तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, ओके, इनकी प्रेजेंस में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, दैट इज योर रस्ट, ये क्या है आपका, रस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि रस्टिंग एक जो है ऑक्सीडेशन है, इसे आप यहाँ पर हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी है, दिखा रही है क्या कि रस्टिंग के लिए यहाँ पर क्या नेसेसरी है, रस्टिंग के लिए क्या कंडीशंस जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। हमने तीन टेस्ट ट्यूब ली, ए, बी और सी। ए के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, तीनों के अंदर हमने आयरन नेल डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर ए के अंदर हमने कुछ वाटर लिया, कुछ यहाँ पर खुला छोड़ दिया, एयर है। बी के अंदर हमने बॉयल वाटर लिया और उसको सरफेस को हमने कवर कर दिया किससे, ऑयल से, ताकि यहाँ पर एयर की जो है प्रेजेंस ना हो, एयर से उसका एक्सपोजर ना हो, ठीक है। और सी के अंदर हमने वाटर बिल्कुल भी नहीं लिया, हमने यहाँ पर सिंपली एयर ली, और एयर के अंदर यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एनहाइड्रस CaCl2 डाल दिया, जो कि क्या कर लेता है, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अगर एयर के अंदर प्रेजेंट हो तो। तो तीनों में से आपको देख करके बताना है कि रस्टिंग किस केस में होने वाली है। रस्टिंग यहाँ पर होगी किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स पे, ठीक है, एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होती है, यहाँ पर आयरन नेल पे जो है रस्टिंग होने लग जाएगी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका बॉइल्ड वाटर है, अब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती, वाटर में वैसे तो एयर प्रेजेंट होती है, बट बॉइल्ड वाटर है तो यहाँ पर एयर क्या हो गई, स्केप आउट हो गई, और ऑयल से हमने कवर कर दिया तो एयर से इसका कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर रस्टिंग नहीं होगी। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्राई एयर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर वेपर्स कंटेंट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पर भी इस केस में भी रस्टिंग नहीं होगी। किस केस में रस्टिंग होने वाली है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रस्टेड नेल देखने को मिलेगी, ठीक है, अंडरस्टूड। ये बेसिक एक्टिविटी थी जो हमें बताती है किसके बारे में, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ठीक है, और क्या कंडीशन नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, अब हमें पता चल गया, दैट इज ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए और प्रेजेंट ऑफ वाटर या फिर वाटर वेपर्स वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर मॉइस्ट एयर प्रेजेंट होनी चाहिए किसके, यहाँ पर एनवायरमेंट में, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होगी, रस्टिंग होगी। ओके, तो यहाँ पर रस्टिंग का डैमेजिंग इफेक्ट है किस पे, हमारे बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स पे, ब्रिजेस पे, ओके, शिप्स पे, ओके, आयरन गेट हो गया, रेलिंग्स हो गई, सारी चीज़ों पे यहाँ पर
रस्टिंग का बहुत बड़ा जो है क्या है इफेक्ट है। ठीक है, हर साल बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है इनको बचाने के लिए। ओके, तो रस्टिंग यहाँ पर एक सीरियस इशू है, सीरियस प्रॉब्लम है हमारे मेटल्स के लिए, स्पेशली किसके लिए, आयरन के लिए। ओके, तो यहाँ पर रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग एंड बाय ऑयलिंग। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। पेंट कर दे, पेंट से क्या होता है वो मॉइस्चर को यहाँ पर उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता। ठीक है, यहाँ पर आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा क्या मॉइस्चर, जिसकी वजह से वो पेंटिंग से क्या हो जाएंगे, रस्टिंग से बच जाएंगे, है ना। ऑयलिंग ग्रीसिंग करेंगे आप अपनी मशीनरीज पे, टूल्स पे, तो वहाँ पर वो क्या रहेंगे, एयर के एक्सपोजर से, वाटर वेपर से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, जिसकी वजह से वो स्मूथली फंक्शन करेंगे और यहाँ पर अच्छे से चल पाएंगे। गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं सिंपली, किसकी, दूसरे मेटल की, दैट इज योर जिंक। जिंक की कोटिंग करने की वजह से जिंक यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है और वहाँ से वो क्या करता है, एयर के एक्सपोजर को दूर रखता है, एयर और मॉइस्चर के एक्सपोजर को, कहने का मतलब दूर रखता है, किससे, आयरन से, और यहाँ पर आयरन आपका बच जाता है किससे, रस्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर उसके जो है सरफेस को कवर किया जाता है और उसे हम बोलते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर जिंक के अलावा टिन की भी कोटिंग की जाती है मेटल्स के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं क्या, टिन कोटिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज यहाँ पर अलॉय मेथड है। अलॉइंग करके भी हम यहाँ पर रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। रस्टिंग में क्या होता है, अलॉइंग में क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो भी हम मेटल क्या करते हैं यहाँ पर मोल्टन फॉर्म में लाके मिक्स कर देते हैं, इससे उनकी प्रॉपर्टी इन्हांस होती है और वो रस्टिंग से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आयरन लेते हैं, आयरन को हम क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करते हैं और जिसकी वजह से हम क्या बनाते हैं यहाँ पर स्टेनलेस स्टील। इसकी हार्डनेस भी आयरन के बराबर ही होती है और यहाँ पर ये जो है स्टेनलेस स्टील कभी भी रस्ट नहीं होता। ठीक है, स्टेनलेस स्टील यहाँ पर ये क्या है, अलॉय है और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, रस्टिंग को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट क्या है, डिजोल्व है, जो कि उसे क्या करते हैं, सॉल्टी बनाते हैं। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सी वाटर से उन्हें जो है हम सेपरेट आउट कर सकते हैं किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इवेपोरेशन में, बट इवेपोरेशन एक जो है अच्छा मेथड नहीं है। इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी वाटर लेते हैं इस तरीके से लम्स बना करके, उनमें जो है सी वाटर फिल कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वाटर आपका इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है तो यहाँ पर पानी सारा उड़ जाता है, उसके अंदर जो भी सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं वो वहीं पर ही जमे रह जाते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पर हम उन सॉल्ट को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। कलेक्ट करके हम उन्हें इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर भेज देते हैं, किस लिए, प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जो सॉल्ट आपके यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है सी वाटर के अंदर, तो वो भी सारी उसके अंदर क्या रहती है, मिक्स रहती है। हमें उसे क्या करना होता है, यहाँ पर प्योरीफाई करना रहता है। तो प्योरीफाई हम उन्हें जो है किस मेथड से करते हैं, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, हम उन्हें क्रिस्टल्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना करके हम उन्हें जो है क्या करते हैं, यहाँ पर उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बना के उसे जो है हीट होने देते हैं। इसके अंदर दो तरीके की इम्प्योरिटीज होती है, एक इनसॉल्युबल और एक यहाँ पर कैसी होती है, सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल होती है उसे हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करके जो है सेपरेट आउट कर लेते हैं बड़ी आसानी से, और जो यहाँ पर सॉल्युबल होती है उसे हम यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से जो है क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और यहाँ पर कूल करके, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करके उसे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसे हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे, हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओके, उसका हमने जो है सॉल्यूशन बनाया, उसे हम हीट कर रहे हैं। हीट करने पर हमने जो है उसे इतना हीट किया कि उसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर वाटर प्रेजेंट था। ठीक है, उसके बाद हमने उसे जो है कुछ टाइम के लिए कूल करने के लिए छोड़ दिया। कूल करने के लिए जब हमने छोड़ा तो वहाँ पर
कुछ टाइम बाद वहाँ पर उसके हमें जो है क्रिस्टल्स देखने को मिले, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या थे, प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स थे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन से क्या कर सकते हो, प्योरिफिकेशन कर सकते हो किसी भी यहाँ पर सब्सटेंस का, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम यहाँ पर प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिविजन अबाउट योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, ओके, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोज। एंड यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके, यहाँ पर हम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।